नमस्कार, स्वागत है आपका सुरार एक्सप्रेस। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जब अस्पताल में आपको इलाज के बदले मौत मिलने लगे, जब डॉक्टर चिल्लाने और पीटने लगे, जब कर्मचारी इलाज के लिए मरीजों को इधर से उधर चक्कर कटवाने को मजबूर कर दें और अधिकारी भी उस पर कोई सुनवाई नहीं करे, तो जिंदगी से निराशा होना लाजमी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रायपुर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा की, जहाँ आपको इलाज के नाम पर मरीजों को मिलती है तो केवल सिर्फ मौत, जिसको देखकर हर किसी को दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन जब सिस्टम के कैंसर को ही इलाज की जरूरत हो तो सवाल उठने लाजमी है। तो आज हम बात कर रहे हैं सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा की। हमारी खास पेशकश कैंसर संस्थान का सच में आपका स्वागत है। इस अस्पताल में कोई अपनी पत्नी, कोई अपनी माँ, कोई अपने बड़े भाई, कोई अन्य किसी का इलाज कराने के लिए कई महीनों से आ रहे हैं। इन मरीजों को और उनके परिजनों के चेहरे पर केवल दर्द ही दर्द दिखता है, लेकिन दर्द और मौत के बीच एक उम्मीद भी है। उम्मीद नई जिंदगी शायद नसीब होने की है। सच तो यह है कि ये उम्मीद पूरी नहीं होती, टूट जाती। न जाने कितनी उम्मीदें हैं यहाँ पर, सांसें हैं कि यहाँ पर आकर थम ही जाती हैं। छोटे कर्मचारी हैं, घुमाते हैं, सही चीज को बताते नहीं है, अनपढ़ को तो फिर उनका रोल ही नहीं है। किस तरफ किस कितने दिन से घूम रहे हो इलाज के लिए? हम तो इलाज हुआ 8 माह से घूम रहे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, 8 माह में ये सब मिला है कार्ड। यहाँ 10 नंबर में था फाइल, अब आज मैं बोला तो फाइल ही नहीं है। बोल मरीज के परिजन की बातें सुनकर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन हकीकत भी तो यही है। सिर्फ क्षेत्रीय कैंसर संस्थान ही क्या, पूरा अंबेडकर अस्पताल ही जूनियर डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। नतीजा यह है कि 17 दिन में ये शख्स यहाँ पर 9 से 10 मौतें देख चुका है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से भी मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। डॉक्टर से सवाल करने पर थप्पड़ तक खाने पड़ते हैं। तब गांव से आने वाले कुमार का कहना है कि बीते 15 दिनों से अपने परिजन भर्ती कराने के लिए भटक रहा है। वहीं चापा से आने वाले भूपेंद्र का कहना है कि बीते 2 साल से यहाँ बेहतर इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था इतनी है कि छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें परेशान किया जाता है। क्षेत्रीय कैंसर संस्थान की मिले आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों की संख्या आज 50,000 के पार पहुंच गई है। 2003 में छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों की संख्या 6,885 थी। यह आंकड़ा 2017 के आते हुए 51,102 तक पहुंच गया है। अभी 2018 और 2019 के आंकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा 60,000 से भी अधिक हो सकता है। तो मेकाहारा के क्षेत्रीय अस्पताल की घटना है। यहाँ पर मरीजों का हाल बेहाल है, इलाज के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, साथ ही डॉक्टरों से मरीज यहाँ इलाज कराने आते हैं, मरीजों को थप्पड़ तक खाना पड़ता है। अस्पताल का सच ये है कि यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में कैंसर के मरीजों की संख्या 50,000 है। यहाँ इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इलाज के बदले उन्हें मौत यहाँ पर परोस दी जाती है। तो मरीज के परिजन की बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन हकीकत भी तो यही है। सिर्फ क्षेत्रीय कैंसर संस्थान ही क्या, पूरा अंबेडकर अस्पताल ही जूनियर डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है। नतीजा यह है कि 17 दिन में ये शख्स यहाँ से 9 से 10 मौतें देख चुका है। 17 दिन में 9 से 10 मौतें, एक बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से भी मरीज और उनके परिजन होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर से सवाल करने पर थप्पड़ तक मरीजों को पड़ते हैं। तुम गांव से आने वाले कुमार का ये कहना है कि 15 दिन से अपने परिजनों को भर्ती कराने के लिए भटक रहा है। वहीं चापा से आने वाले भूपेंद्र का कहना है कि बीते 2 साल से यहाँ बेहतर इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था इतनी है कि छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें परेशान किया जाता है। क्षेत्रीय कैंसर संस्थान की मिले आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों की संख्या आज 50,000 के पार जा पहुंची है।
2003 में छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों की संख्या 6885 थी। यह आंकड़ा 2017 में आते आते 50,000 के पार यानी कि 51,102 तक पहुंच गया है और अभी 2018 और 19 के आंकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन अनुमान ऐसा बताते हैं कि अगर ये आंकड़े मिलेंगे तो यह आंकड़ा लगभग 60,000 से अधिक होगा। कई कई महीनों इलाज कराने के बावजूद भी मरीज यहां पर ठीक नहीं हो रहे। आपको पूरी घटना बता रहे हैं, पूरी खबर है रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहरा अस्पताल की, जहां मरीज इलाज कराने आते हैं लेकिन उन्हें अपने जीवन मिलने की पूरी आस यहां नहीं है, क्योंकि जहां डॉक्टरों का जो रवैया है बेहद ही लापरवाहीपूर्ण रवैया है। सीनियर डॉक्टर्स नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होगी रायपुर के इस मेकाहरा अस्पताल की। छत्तीसगढ़ में कैंसर के मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। इलाज तो मिलता है लेकिन लोग यहां पर ठीक नहीं होते। कई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वार्ड में रहते हैं, वार्ड इंचार्ज, वहाँ एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई नहीं रहता। कोई लास्ट स्टेज में आ जाता है ना, कोई दौड़ के बड़ा डॉक्टर आने वाला कोई नहीं वहाँ पर अंदर में। ऐसे ही रहते जो पढ़ने के लिए जो आते हैं ना स्टूडेंट वहाँ के, ये कॉलेज के, वही से लोग आते, लड़के लोग वही देखते। वो क्या देखेंगे, उनकी भाई मर गई, वो थोड़ा सा चिल्ला दिया, उसको झापड़ मार दिया डॉक्टर ने यहाँ पर, तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते। इस पूरे मसले पर क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के संचालक और अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विवेक चौधरी का कहना है कि प्रतिदिन 700 मरीज यहां आते हैं, इस वजह से स्टाफ में ओवर स्ट्रेस भी रहता है, तो हो सकता है कि इस कारण से विवाद की स्थिति बन जाती है। हालांकि वे मौत के आंकड़े बताने को राजी नहीं होते। जो वार्ड में रहते हैं, वार्ड इंचार्ज, वहाँ एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई नहीं रहता। कोई लास्ट स्टेज में आ जाता है ना, कोई दौड़ के बड़ा डॉक्टर आने वाला कोई नहीं वहाँ पर अंदर में। ऐसे ही रहते जो पढ़ने के लिए जो आते हैं ना स्टूडेंट वहाँ के, ये कॉलेज के, वही से लोग आते, लड़के लोग वही देखते। वो क्या देखेंगे, उनकी भाई मर गई, वो थोड़ा सा चिल्ला दिया, उसको झापड़ मार दिया डॉक्टर ने यहाँ पर, तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता लेकिन कुछ नहीं। तो कैंसर क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के संचालक और अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विवेक चौधरी कह रहे हैं कि प्रतिदिन 700 मरीज आते हैं, इस वजह से स्टाफ में ओवर स्ट्रेज हो सकता है। हो सकता है कि इस कारण की स्थिति में विवाद की स्थिति बन जाती हो। आपने जैसा कि देखा और सुना, मौत के आंकड़े बताने को वे राजी नहीं होते। इसी मुद्दे पर हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कांग्रेस अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ, डॉक्टर आर के सोनवानी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, करण पिपरे, एचओडी एम्स हॉस्पिटल।
तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर राकेश गुप्ता आपसे, क्योंकि आपका अध्यक्ष कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ है, राकेश गुप्ता जी। तो राकेश गुप्ता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। आरके सोनवानी चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आरके सोनवानी जी से मेरा सवाल है, सोनवानी जी इतनी भयावह स्थिति इस अस्पताल की, मेकार अस्पताल की क्यों? क्योंकि रायपुर का एक बड़ा अस्पताल है, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। रायपुर पूरा रीजनल सेंटर है और आसपास में कहीं पे अस्पताल नहीं है और पूरे यहाँ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मरीज आते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ओवरलोड है। और जगह वहाँ पे कैंसर अस्पताल जो है बहुत छोटा जगह है, जिस हिसाब से होना चाहिए उतना जगह नहीं है। पर डे वहाँ पे 300 को ओपीडी मैं खुद जाकर देखा हूँ और वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, कंजेस्टेड है वहाँ, और स्टाफ कमी जो हमारे जल्दी पूरा हो जाएंगे। 300 स्टाफ नर्स का अभी स्टाफ नर्स का पोस्टिंग होना बाकी है और धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। इतनी बड़ी भयावह स्थिति है और आजादी के 70 साल बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल करण पिपरे जी से है, सर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि इस तरह की समस्या से निजात मिल सके देश को? कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और इसके लिए हम सभी लोगों को, चाहे वो चिकित्सक हो, चिकित्सालय हो और समाज सेवक हैं या एनजीओज हैं, जो भी लोग परिवार के, मोहल्ले के, शहर के, ये सभी जागरूक होना चाहिए और साथ में मरीज को भी जागरूकता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ गरीबों का आदिवासी प्रदेश है और जहाँ पर अभी ज्ञान और प्रचार प्रसार करने की बहुत ही आवश्यकता है। लोगों को ये जानकारी बहुत कम है कि टोबैको और टोबैको से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, सिगरेट है, चिलम है या बीड़ी है या कच्ची तंबाकू है, उसको मल करके जीभ और गाल के बीच में रखते हैं, वहाँ पर कैंसर होता है इस प्रकार का। और सिगरेट बीड़ी पीने से श्वास की नली का, फेफड़े का कैंसर होता है। 5 से 10 साल भी अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया तो बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेता है कैंसर, चाहे वो जीभ का कैंसर हो या गाल का कैंसर हो, मैंडिबल का कैंसर हो और टॉन्सिल का कैंसर हो, लैरिंग्स का कैंसर हो, फेफड़े का कैंसर हो। इस प्रकार से हमें रोकथाम के लिए सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि जो टोबैको जो तंबाकू है उसके जो प्रोडक्ट हैं उनका बनना बिकना बंद होना भी लाजमी है। और इसके साथ में शासन की ओर से और पब्लिक की ओर से, न्यूज़पेपर और चैनल्स की तरफ से भी समय समय पे ढेर सारी चेतावनियां दी जाती हैं कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, स्मोकिंग करने से स्वास्थ्य खराब होता है, इससे कैंसर होता है। इस प्रकार से प्रयास, जैसा जैसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं प्रचार का। तो करण पिपरे से संपर्क लग रहा है टूट गया है। आरके सोनवानी जी से मेरा सवाल है, सोनवानी जी पूरा अस्पताल जो है जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ का अस्पताल है मेकारा अस्पताल, जहां पर इलाज के बदले यहां पर लोगों की पिटाई की जाती है, उन्हें मौत परोसी जाती है, पूरे अस्पताल में इलाज व्यवस्था ठीक नहीं है, कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग अपनी जिंदगी की आस लगाए इस अस्पताल में आते हैं और ये अस्पताल उन्हें यहां से निराश करके अपने घर वापस भेजता है। तो सवाल उठना लाजमी है क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी देश में अगर ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति से हम उभर क्यों नहीं पा रहे हैं? कई कई महीनों तक लोग यहां पर इलाज कराने के लिए अस्पताल में एडमिट रहते हैं, कोई अपनी पत्नी, कोई अपनी माँ, कोई अपने भाई, कोई अपने अन्य किसी रिश्तेदार का इलाज कराने कई महीनों से अस्पताल में आ रहा है। इन मरीजों और उनके परिजनों के चेहरे पर केवल दर्द ही दर्द दिखता है, लेकिन दर्द और मौत के बीच एक उम्मीद भी है, उम्मीद नई जिंदगी शायद नसीब होने की है।
सच तो ये है कि ये पूरी उम्मीद पूरी नहीं होती, टूट जाती है। जाने कितनी उम्मीदें यहाँ पर टूटती हैं, सांसें हैं कि यहाँ आकर थम ही जाती हैं। मरीज के परिजनों की बात सुनकर बड़ी हैरानी भी यहाँ होती है, लेकिन हकीकत भी तो यही है। सिर्फ क्षेत्रीय कैंसर संस्थान ही क्या, अब पूरा मामला यहाँ पर भयावह है। पूरी स्थिति पर तो सोनवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। सोनवानी जी, यहाँ पर ऐसा क्या है कि जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है, परमानेंट डॉक्टरों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? सीनियर डॉक्टर्स नहीं है साहब अस्पताल में? लेके टू मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कमी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का अस्पताल हो, चाहे कैंसर अस्पताल हो, चाहे जनरल अस्पताल, कमी है। आने वाले दिनों में हमारे करीब करीब 1000 सीट हो गए मेडिकल कॉलेज आए पूरा छत्तीसगढ़ का, तो आने वाले दिनों में सब पूरा फुलफिल हो जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि सरकार इसके लिए बहुत प्रयत्नशील है और इसका सिलेक्शन हो भी जाएगा और डॉक्टर के यहाँ कमी पूरा हो जाएगा और रायपुर छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज का संख्या बढ़ा है पिछले कुछ दिनों से, और डॉक्टर भी निकलेंगे तो आपका पूरा अस्पतालों में माना डॉक्टरों को। जब अस्पताल में आपको इलाज के बदले मौत मिलने लगे, जब डॉक्टर चिल्लाने और पीटने लगे, जब कर्मचारी इलाज के लिए मरीजों को इधर से उधर चक्कर कटवाने को मजबूर कर दें और अधिकारी भी उस पर कोई सुनवाई नहीं करें, तो जिंदगी से निराशा होना लाजमी है। तो सोनवानी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सोनवानी जी, मरीजों का आरोप है कि अगर उनके पास जाते हैं मरीज डॉक्टर्स के पास तो उन्हें चिल्लाते हैं डॉक्टर्स, उनकी सही से नहीं सुनते, सही से कोई परवाह नहीं होती अस्पताल में, ये भी लगातार अस्पताल प्रशासन पर, अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगते रहे हैं। सोनाजी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आवाज, जो गांव की जो मरीज एक्चुअल में सही उसको गाइडेंस जगह नहीं मिलता, इसलिए इधर भटकते रहते हैं। अब मगर जहाँ पे इलाज होता है वहाँ पे सही जगह पहुँचे, ठीक तो है, इलाज इधर उधर भटकते हैं। सोनवानी जी इधर उधर भटकते हैं, लेकिन मरीजों पर चिल्लाना कहाँ तक लाजमी है? ये गलत है, मानता हूँ, चिल्लाना नहीं चाहिए डॉक्टरों को, एक पेशेंट रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे वर्क हो जाता है डॉक्टरों का, रखते ऐसा हो रहा है। इसके लिए फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया है डॉक्टर साहब को, अधीक्षक को बोला गया है किस टाइप को ना करें करके। करण बिब्रे जी, एचओडी हैं आप एम्स हॉस्पिटल के, क्या लगता है किस तरह से समस्याएं सुधर सकती हैं, क्योंकि स्थिति यहाँ पर बहुत भयावह है। मरीजों पर डॉक्टर चिल्लाते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा, अस्पताल में असुविधाएं हैं, सुविधाओं का अभाव है, और लगातार जो कैंसर का रेशियो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आखिरकार मरीज जाए तो जाए कहाँ पे? शासन की तरफ से चिकित्सालयों में मशीन और ऑपरेशन की व्यवस्था, कैंसर के मरीजों के ऑपरेशन की व्यवस्थाएं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इस प्रकार की जांच और सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी, एमआरआई, न्यूक्लियर मेडिसिन के पैट सीटी इक्विपमेंट्स, स्पैट सीटी और मरीजों की समस्त जांचों की जो मशीनें होती हैं और स्टाफ होता है शासन की तरफ से, चाहे वो जिला चिकित्सालय का अस्पताल हो और शहर के शासकीय चिकित्सालय हो बड़े और जहां अध्ययन करते हैं डॉक्टर सीखते हैं, और चाहे वो एम्स का हो, हमारे एम्स में भी सभी प्रकार की मशीनों की स्थापना है, ऑपरेशंस भी होते हैं, जांच भी होती है। तो मैं समझता हूं कि यदि कोई भी गरीब मरीज हो या कैंसर का मरीज हो, गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, उसके साथ में आते से ही हमारे वरिष्ठ डॉक्टर और कनिष्ठ डॉक्टर और उनके अधीनस्थ काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ को बहुत ही प्यार से अपने परिवार के लोगों के जैसे मरीजों में बात करते हैं, उस प्रकार का व्यवहार करें, कभी भी उनको चिल्ला करके बात ना करें, उन्हें भगाए ना, उनकी अच्छे से जांच करें, उन्हें समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें और
उनसे काउंसलिंग करके उन्हें समझाएं, उनके परिजनों को भी समझाएं। मैं समझता हूं जब तक कि आप प्रेम से बात करके मरीजों को समझाते हुए उनका इलाज नहीं करेंगे, उनका दिल नहीं जीतेंगे, तो चाहे मरीज कई बार आए, और विश्वास तो तभी बढ़ेगा जब आप उसको अच्छे से बात करेंगे और उसको पूरा इलाज करेंगे, जांच करेंगे, भटके ना वो, उनकी रहने की व्यवस्था भी करें। कैंसर का इलाज 6-6, 7-7 महीने, 8-8 महीने चलता है, 1 महीने तक तो उसकी जांचें चलती हैं। इसका भी पीरियड को यदि हम कम कर देंगे तो उसकी जो स्टेज है वो बढ़ने नहीं पाएगी। पेशेंट यदि फर्स्ट स्टेज में आता और हम उसकी जांच 15 दिन में 10 दिन में करके सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, बायोप्सी, एफएनएसी और एमआरआई इत्यादि से करके और खून की जांच करने के बाद में उसकी सर्जरी होती है तो सर्जरी कर दें, रेडियोथेरेपी होती है तो उसकी प्लानिंग करके रेडियोथेरेपी कर दें। रेडियोथेरेपी 5 दिन ना तो आपके पास मशीनें हैं तक दी जाती ना ही है। आपकी डॉक्टर तहजीब से मरीज के साथ बात करते हैं, ना आपके पास सीनियर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टरों के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। तो जब तक मशीनों का इंतजाम होगा, जब तक सीनियर डॉक्टर्स का इंतजाम होगा, तब तक क्या ये मरीज बलि चढ़ते रहेंगे? आने वाले प्रत्येक मरीज से अच्छे से बात करें, प्यार से समझाएं और उसकी शासन की तरफ से हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गरीबी रेखा का कार्ड है और आयुष्मान भारत का कार्ड है और दूसरी और शुल्क के इलाज की योजनाएं हैं। मैं समझता हूं बहुत आसान है और इस प्रकार की शिकायत फिर नहीं होगी। मरीज को कभी डांटना नहीं चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है सुन के कि मरीज को डांटा जाता है, भगाया जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मरीज हमारे ऊपर विश्वास करता है, 2-3 दिन पहले से तैयारी करता है कि हम चिकित्सा के पास जा रहे हैं और कैंसर का डॉक्टर हमारे कैंसर जैसे रोग का इलाज करेगा और हमें लाभ देगा। तो अच्छे से बात करना चाहिए। इससे संख्या तो बढ़ रही है, डायग्नोस्टिक मशीन बढ़ रही है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, स्टाफ बढ़ रहा है, अस्पताल बढ़ रहे हैं, बिस्तर बढ़ रहे हैं, तो जो चीजें नहीं थी पहले वो बढ़ रही हैं, तो लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं। आज के साथ में उसका इलाज की मशीनें भी उपलब्ध हो रही हैं, तो संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी, उन्हें हमें मैनेज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है डॉक्टर आरके सोनमानी जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या पहल करेंगे अब आप? हमने पूरे प्रदेश भर में एक अभी महीना चला रहे हैं, 15 मई से 15 जून तक एनसीडी मंथ में जा रहे हैं, जिसमें अर्ली डिटेक्शन कोई भी कैंसर का, चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे गले का कैंसर हो, चाहे फेफड़े का कैंसर हो, गर्भाशय कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, उसके लिए हमारा टीम पूरे प्रदेश भर में हमारा कैंप लगा रहे हैं, एक्टिव सर्वे कर रहे हैं। किसी को कोई लक्षण दिखता तत्काल हम अपने जिला अस्पताल में मेकार भेज के उसको डायग्नोस करते हैं, क्योंकि कैंसर ऐसा बीमारी है जो अर्ली डिटेक्शन अगर पहले पता चल जाए को, ताकि उसका लाइफ बहुत लंबा खींच सकता है, मगर सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में आज बड़ा खतरनाक स्थिति होता है, भयानक स्थिति होता है। तो हम अपना पूरे प्रदेश भर में भी कैंप चला रहे हैं, एनसीडी कैंप, तो जिसमें हम 30 वर्ष के ऊपर वाले का ब्लड प्रेशर का, शुगर का, मुंह का कैंसर का, बच्चादानी का जांच करने का तरीका, और हमारे स्टाफ लोग वहाँ ट्रेनिंग दिया गया है, साथ में मुंह कैंसर का ओरल ग्राफर हमारे सभी सीएससी में डेंटल चिकित्सक हुए थे हैं, साथ में हमारे एनएम लोग हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है, सभी स्टाफ कम है, ट्रेनिंग दिया हुआ है। वक्त मेरे पास कम है, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखना ये होगा कि मेकाहरा के इस कैंसर संस्थान का सुधार कब होता है, कब हालत का सुधार आता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।